हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूटेक में। आज के शुरू में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 दिन के अंदर आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो भी हम बात बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एनईसी के तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाई जाएगी और वे भी मात्र और मात्र 2 दिन के अंदर। और ये सर्टिफिकेट लेने में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और यहाँ पे आपको आधार सेवा केंद्र भी मिलने वाला है। और जो भी हम बात बताएंगे एकदम सही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास भी सर्टिफिकेट मिल चुकी है एनईसी की तरफ से और यहाँ पे एनईसी की तरफ से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ही सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे कैसे मिलने वाला है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पे ये भी बताएंगे कि आप यहाँ से आधार सेवा केंद्र कैसे लेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे भाई बहुत सारे ये सर्टिफिकेट ले चुके हैं एनईसी की तरफ से, लेकिन अभी तक उनको यहाँ पे आधार सेवा केंद्र नहीं मिली है, वो आधार सेवा केंद्र कैसे लेंगे। तो चलिए दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम अपने दुकान पर से वीडियो बना रहे हैं और ये हमारा जो दुकान है वो साइबर कैफे है। एक तरफ से यहाँ पे हम दिखा दें, यहाँ पे हमारा सीएससी का आईडी रखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब कुछ लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे दुकान का यहाँ पे ये सब देख सकते हैं और यहाँ पे जो जाने का रास्ता है और ऐसे ही हमारा यहाँ पे साइबर कैफे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी एनईसी के तरफ से सर्टिफिकेट ले लिया है और ये सर्टिफिकेट से ही हम यहाँ पे आधार सेवा केंद्र लेकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों आधार सेवा केंद्र आज के डेट में लेना बहुत ही ज्यादा आसान है और आधार सेवा केंद्र आप बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बैकग्राउंड साउंड थोड़ा ज्यादा है, बैकग्राउंड साउंड हटा दे, बट यहाँ पे चलिए दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो कैसे आपको आधार सेवा केंद्र लेना है अगर दोस्तों आपके पास एनईसी की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया है। तो दोस्तों आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं आधार, ठीक है। दोस्तों आपको सिर्फ आपको गूगल पे लिखना है आधार और आपको कुछ नहीं लिखना है। जब दोस्तों यहाँ पे आप आधार लिखेंगे तो आप डायरेक्ट आधार के वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आधार में uid.government.in इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे होम वाले पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे होम वाले पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी साइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहीं पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नया आधार कार्ड भी आप यहाँ पे बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तभी आप यहां पे आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहां पे आधार सेवा केंद्र ले लेते हैं तो यहां पे आप सब काम कर सकते हैं, जैसे कि आधार में मोबाइल नंबर भी जोड़ सकते हैं और एक नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे नया आधार कार्ड बनाने वाले को यहां पे आपको नया आधार कार्ड बनाना है तो सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट चाहिए और नया आधार कार्ड अगर नहीं बनाना है, यहां पे ऑपरेटर का काम करना है, अपडेट का काम करना है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब बिना मोबाइल नंबर जोड़े हुए, तो यहां पे आप ये काम कर सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर के आईडी से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर की सर्टिफिकेट से भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे सुपरवाइजर के सर्टिफिकेट से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इकोसिस्टम, दोस्तों यहाँ पे इकोसिस्टम पे जब दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनरोलमेंट इकोसिस्टम, ठीक है, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको ये सब ट्रेनिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है कि दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेनिंग कैसे करना है, जैसे कि अगर आप आधार सेवा केंद्र लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बताएंगे और यहां पे ट्रेनिंग के साथ साथ आपको आधार सेवा केंद्र के लिए सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जो सर्टिफिकेट हमें मिला है, जो सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया है कि एनईसी के तरफ से आप आधार सेवा केंद्र कैसे ले सकते हैं, ये सर्टिफिकेट आपको यहां पे भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे आधार सेवा केंद्र जो दिख रहा है आपको, यही वाले आधार सेवा केंद्र पे इकोसिस्टम पे जाना है और इनरोलमेंट इकोसिस्टम पे क्लिक करना है और तीसरे नंबर पे आधार सेवा केंद्र आ जाएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जब यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आधार सेवा केंद्र के आप ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जैसे आपको यहां पे आधार सेवा केंद्र कैसे मिलेगा और यहां पे आधार सर्विस अवेलेबल, ठीक है, यहां पे आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी आधार सर्विस अवेलेबल एट आधार सेवा केंद्र। तो दोस्तों यहां पे आधार सर्विस आपको मिलेगी आधार सेवा केंद्र के साथ और यहां पे आपको 7 दिन आपको आधार सेवा केंद्र खोलना है और
और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आधार सेवा केंद्र आपको खोलनी है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या काम मिलेगा ये सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जान लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंट एंड विजिट कन्वर्ट यहाँ पे आधार सेवा केंद्र, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो काम मिलने वाला है आधार सेवा केंद्र में, यहाँ पे काम मिलने वाला है आधार इनरोलमेंट का और यहाँ पे अपडेट का भी काम मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट का भी काम मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप मान के चलिए नया आधार कार्ड बनाते हैं उसे नया आधार कार्ड में आधार इनरोलमेंट बोला जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक अपडेट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, ये सब अगर मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करते हैं तो ये सब डोमेस्टिक अपडेट में आता है। यहाँ पे अगर बायोग्राफी अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं तो यहाँ पे फोटो, फिंगरप्रिंट और आईडी मतलब आपका स्कैनर, ठीक है। और यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बिना मोबाइल नंबर जोड़े हुए, ठीक है। तो ये सभी काम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर आधार सर्विस। दोस्तों अगर आधार सर्विस आप लेते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट का यूट्यूब वीडियो दिया गया, वीडियो देख लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम यूट्यूब वीडियो चालू करेंगे तो यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने की संभावना होती है, यहाँ पे हम यूट्यूब वीडियो चालू नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस दिया गया है आधार सेवा केंद्र लेने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस 6 प्रोसेस स्टेप है। जैसे भी पहले आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट कर लेनी है आधार सेवा केंद्र लेने के लिए, उसके बाद कॉन्टेक्ट हेल्प डेस्क आपको यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट स्लिप मिलने वाला है, उसके बाद गो टोकन डेस्क यहाँ पे आपको एक टोकन मिल जाता है। जैसे कि आधार इनरोलमेंट का काम करने जाते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही आधार सेवा केंद्र लेने जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टोकन मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे वेरीफाई होगा, आपका जो भी आपका एड्रेस है और जो भी आपने यहाँ पे टोकन लेके गए हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके गए हैं, वो आपका वेरीफाई होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आधार सेवा केंद्र मिलता है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलती है। पहले दोस्तों मैंने बताया है कि आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कुछ क्वेंट आवर को करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट सभी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये आधार की ऑफिशियल है, यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको स्लिप मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर और इनरोलमेंट का हेल्प डेस्क आपको यहाँ पे ऑपरेटर डेस्क मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी काम आपको दी गई है। जैसे कि अगर आप आधार कार्ड नया बनाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आधार कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद आप 5 साल से 15 साल का बायोमेट्रिक या डेमोग्राफी अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी अपडेट दोनों एक साथ करते हैं, चाहे आप बायोमेट्रिक अपडेट ही करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपए चार्ज लगने वाला है। और यहाँ पे अगर आप ओनली डेमोग्राफी अपडेट जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब चीजें अगर आप अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपए लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अगर बिना मोबाइल नंबर जोड़े अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड के लिए आपको 30 रुपए चार्ज देना पड़ता है और दोस्तों इसमें आपको कमीशन भी अच्छे खासे मिल जाते हैं ये सभी काम में। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार सेवा केंद्र कैसे लेना है और कहाँ से लेना है ये सभी आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। बिहार, झारखंड, यूपी, कहीं से भी अगर आप हो, इंडिया में किसी स्टेट से हो तो यहाँ पे आपको सभी स्टेट यहाँ पे बनाई गई है, सभी स्टेट सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आप मिल सकते हैं। यहाँ पे 85 से 86 जगह बनाया गया है जहां से आप आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आधार सेवा केंद्र के लिए आपको यहीं पे आना है और दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी मिलने वाली है और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इस पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके आप यहाँ पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्वेश्चन भी दिया गया है और यहाँ पे डायरेक्ट आप एनईसी से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन भी दिया गया है जिसको आप पढ़ के आधार सेवा केंद्र के लिए आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं और ऐसे करके आप एग्जाम भी पास कर सकते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाती है जिसको आप यूज करके आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी बैकग्राउंड साउंड ज्यादा देखने को मिलती होगी, इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत सॉरी, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने जो भी जानकारी दिया है वो सही और सटीक जानकारी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको आधार सेवा केंद्र 100% मिल जाता है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड एजेंसी से आपको आधार सेवा केंद्र लेनी है। इसके बाद मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डायरेक्ट एजेंसी से आप
आपको कैसे आधार सेवा केंद्र लेनी है और कौन सी एजेंसी आपको आधार सेवा केंद्र देती है, ये भी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और यहाँ से ही आप यहाँ पे आधार सेवा केंद्र के लिए यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ये सभी पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको 100% आधार सेवा केंद्र की एग्जाम आप पास कर जाएंगे। दोस्तों हम भी ऐसे ही एग्जाम पास किए थे और आप भी ऐसे ही एग्जाम पास कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।